हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? ये देखो, आज मैं एक कोको कोला लेके आया हूँ। एक्चुअली कई लोगों ने मुझे बोला है कोक से टायर कभी वॉश करके दिखाओ, तो आज हम क्या करेंगे, सिर्फ एक टायर वॉश नहीं करेंगे, एक हम कोक से करेंगे और दूसरा वाला जो सामने का टायर है वो हम शैम्पू से करेंगे। तो दोनों करने का डिफरेंट दिखेंगे, एक्चुअली कुछ डिफरेंट है भी कि नहीं, ये सब वाली फालतू की बात है, हम वो चेक करेंगे। इसमें मैं साबुन नहीं लगाऊंगा, ओनली कोक लगाऊंगा इसमें, है ना। अभी पहले कोक स्प्रे मारेंगे, बाद में पानी से वॉश करके देखेंगे बाद में कैसा क्लीन हो रहा है, और वो वाला ओनली शैम्पू यूज़ करेंगे। बाद में सूखने के बाद देखेंगे दोनों में से डिफरेंट क्या है। तो दोस्तों, वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो आप वीडियो को स्किप मत करो प्लीज़, आप वीडियो को पूरा देखो। और मुझे पता है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, तो चलो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं फटाक से अभी ये करके बताता हूँ ये कैसा होने वाला है, ये टायर का शाइनिंग कैसा होने वाला है। मैं अभी ये कंपेरिजन करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये टायर का हाल देखो कैसा, कितना गंदा है। ओके, और एक्चुअली आज ऐसे भी थोड़ा कार थोड़ा सा गंदा है, देखो नीचे से पूरा बारिश में गंदा हो चुका है। ओके, सामने का टायर थोड़ा सा गंदा कम है, फिर भी ये देखो ये दिख रहा है आपको, पूरा गंदा हो चुका है, फिर ये थोड़ा सा कम गंदा है, और पीछे वाला जो टायर है वो थोड़ा सा ज़्यादा गंदा है, ये देखो। तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, कोक का ना ढक्कन खोलो मत, आप सीधा क्या करो, इसके ऊपर से एक चाकू लेकर के ऐसा ऊपर से एक छेदा कर दो। और आप ये मैंने 2 लीटर का शैम्पू, ये सॉरी 2 लीटर का कोक लिया था, आप ऐसे 2 लीटर का कोक मत लो, आप 1/2 लीटर का कोक लेकर के आप ऐसा कर सकते हो। 2 लीटर का लगे खाली पकड़, ज़्यादा पैसा वेस्ट करके कोई मतलब नहीं। तो हम बाद में छेदा कर दिया, हम क्या करेंगे, सीधा स्प्रे करेंगे। आप चाहे तो एक जग में डाल के बाद ब्रश से भी आप ऐसा अप्लाई कर सकते हो। तो मैं थोड़ा कुछ हटके करता हूँ ना, तो ऐसा हम इसको स्प्रे करके देखेंगे कैसा होता है। ये देखो ऐसा, ये हाँ पता नहीं दिखने में कैसा दिख रहा है। चलो, ये मैंने अच्छे से अभी स्प्रे कर दिया। हाँ एक्चुअली फिर भी ज़्यादा ख़त्म नहीं है, देखो थोड़ा सा इतना सा ख़त्म हो गया, बाकी बचा हुआ रहेगा जो मैं वो पी जाऊँगा खुद ही। हाँ देखते अभी, एक्चुअली ये आप ढक्कन खोलो तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं एक ज़रा सा एक छेदा के बाद में स्प्रे मार दिया, बहुत बचा अभी, पूरा मैं पीने वाला हूँ आराम से फ्रिज में रख के। ओके, देखता अभी ये मट्टी लूज़ हुआ कि नहीं, एक्चुअली उतना ज़्यादा लूज़ नहीं हुआ मट्टी, फिर भी देखेंगे अभी क्या होता है। ओके, अभी इसको मैं थोड़ा सा ब्रश मार देता हूँ, मेरे पास ब्रश है, ज़रा सा नाम से थोड़ा ब्रश मारेगा तो मुझे लगता है थोड़ा अच्छा रहेगा। ब्रश मारने के लिए हम क्या करें, थोड़ा सा इसमें थोड़ा स्प्रे मारेंगे, पहला ऐसा मार दिया स्प्रे ब्रश के ऊपर तो थोड़ा अच्छा रहेगा ऐसा। ओके, ये साइड रखते हैं इसको, कैसा अकेला करना पड़ता है ना, मुश्किल है थोड़ा सा। ओहो हाँ, एक्चुअली यार जब मैं ब्रश मारता मुझे फील हो रहा है कि मट्टी थोड़ा लूज़ हुआ यार, जब मैंने स्प्रे मारा ना इससे काफ़ी लूज़ हुआ मट्टी। चलो, और वो वाला भी ऐसे मार के देखेंगे शैम्पू से क्या होता है। हाँ यार, मुझे फील तो हो रहा है, एक्चुअली जब मैं कोक मारा ना उसको थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हुआ, अभी मुझे फील हो रहा है ब्रश मारने के बाद कि हाँ जो बिल्कुल लूज़ हुआ एकदम, देखो एकदम इजीली सॉफ्ट हो गया, ऐसा मुझे फील हुआ। देखते ऐसे तो मैं टायर तो वॉश करते रहता हूँ ना बहुत सारे कार का, ऐसा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि लूज़ हुआ थोड़ा सा टायर, तो मैंने ब्रश मार दिया है, मेरे को लग रहा है ऐसा क्लीन हो रहा है ऐसा बोल के, देखते क्या होता है। मैंने एक्चुअली इसको पानी लगाया नहीं है, तो सीधा मैंने कोक स्प्रे मार दिया। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा पानी से ये जो है ना, ये जो एलॉय व्हील इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते, जो कवर है ना इसको थोड़ा सा मार देता हूँ। देखो इसको जैसे कोक लगा था एकदम एकदम मट्टी जो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, वो देखते हैं अभी क्या होता है। ये मेरे पास पुराना माइक्रोफाइबर था, माइक्रोफाइबर क्लॉथ था, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, आप इसको अच्छा नया वाला ऐसा यूज़ मत करो। ओके, ये हो गया कपड़ा मार के, अब हम इसको पानी मार के देखेंगे क्या होता है। खाली ब्रश मारा सीधा बाद में पानी मारेंगे। ओके, एक्चुअली मैं ज़्यादा तो घिसा नहीं, ज़रा सा मैं घिसा हूँ, मुझे लग रहा है डीपली जो है ना अंदर का उतना ज़्यादा डीपली कचरा नहीं निकल पाया वो कोक, थोड़ा और कपड़ा से मार के देखता हूँ। चलो, वो तो सूखने के बाद ही दिखेगा क्या सीन हो गया, फिर भी मैंने एक्चुअली जितना सोचा था उतना लगता नहीं हो रहा, वो पता नहीं सच्चाई क्या है। और थोड़ा ब्रश मार देता हूँ, नहीं तो जैसे मैंने मारा नहीं था ना, इधर से कुछ निकल रहा है क्या, हाँ हाँ निकल रहा है अभी, ऐसे मैंने ब्रश ठीक से नहीं मारा, ऐसा ऐसा ये लाइन लाइन है ना तो लाइन में रह गया था, तो ऐसा ऐसा ब्रश मारा बाद में वो क्लीन हो रहा है वो, और अच्छे से मारा नहीं था ब्रश, अब थोड़ा अच्छे से मार देता हूँ। सही है, सेम ऐसे ही उसको भी मारेंगे ना शैम्पू वाले को भी, बाद में मालूम पड़ेगा क्या सीन है इसको। हाँ, अब थोड़ा लग रहा है क्लीन हुआ, लेकिन आपको ये कोक मारने के बाद थोड़ा ब्रश थोड़ा उसको थोड़ा अच्छे से मारना ही पड़ेगा ब्रश, ऑटोमेटिकली मतलब निकल नहीं जाता मट्टी वो। चलो, ये तब तक सूखने दो, हम थोड़ा सामने वाले को भी मार के आते हैं ऐसा। तो हमने पीछे वाले को जो है ना कोक मार दिया, स्प्रे कर दिया, आपने तो देखा कैसा किया मैंने, अब हम इसको कह रहे हैं ओनली शैम्पू लगाएं। ये टायर थोड़ा सा पीछे वाला थोड़ा सा क्लीन ज़्यादा है, फिर हम देखेंगे अभी क्या फ़र्क क्या पड़ता है उससे, कुछ तो पता चली जाएगा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इसको तो शैम्पू से अप्लाई करेंगे ना, तो हम इसको सबसे पहले ज़रा सा शैम्पू डालेंगे ऐसा, आधा ढक्कन शैम्पू, ये 5 लीटर डब्बे का ढक्कन है, ज़रा सा शैम्पू लेंगे थोड़ा इतना सा, है ना, अगर इतने में काम नहीं बने फिर तो हमको लॉस हो जाएगा,
ओके ज़रा सा मैंने शैम्पू ले लिया, ढक्कन डाल देता इसको। ये जो मैं शैम्पू यूज़ कर रहा हूँ JPT का शैम्पू यूज़ कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं एक काम करूँगा, आज ऐसे भी अमेज़न का काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा है ना 6 और 7 तारीख को, तो मैं काम करता बाद में जो अमेज़न का जो लिंक है ना वो मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जा करके खरीद सकते हो। मेरा जो भी फेवरेट प्रोडक्ट है मैं ये शैम्पू का और बाद में कार वॉशर मशीन और कुछ प्रोडक्ट ऐसा दे दूँगा जो आपके काम का हो सकता है, आप थोड़ा चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख लेना थोड़ा सा। ओके इसको मैं अभी क्या करता हूँ, थोड़ा सा उसको पानी ले लेंगे। यस शैम्पू को थोड़ा मिक्स कर लेता हूँ पानी में इसका। यस ये देखो ये फोम टाइप बन गया हो। ओके ये फोम बन गया हल्का हल्का सा, हम इसको अभी अप्लाई करेंगे। उसको तो मैंने बस ढक्कन छेदा करके स्प्रे कर दिया था, अब इसको हम ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ से हम इसको ये करेंगे अप्लाई करेंगे। आप चाहे तो कौन सा भी कपड़ा यूज़ कर सकते हो, टायर के लिए चलता है कौन सा भी। यस अब देखते हैं इसमें से कितना होता है। हाँ एक्चुअली मैंने फील किया है, जो मैंने वो वाले को जब कोक स्प्रे किया ना तो ये जो चक्के का जो मट्टी है ना उतना उसको घिसना नहीं पड़ता, ये वाला थोड़ा ज़्यादा घिसना पड़ रहा है। देखो ब्राउन ब्राउन है ना, मेरे को थोड़ा ऐसा ऐसा ज़्यादा घिसना पड़ रहा है। एक्चुअली बात तो सही है कि कोक से थोड़ा बहुत मट्टी ना सॉफ्ट तो हुआ है, ये देखो इतना मुझे घिसना पड़ रहा है ना, ऐसा मुझे फील हो रहा है खुद को, थोड़ा वो जाम है, थोड़ा मट्टी और टाइट है, इतना उसको नहीं घिसना पड़ता। ज़रा सा कपड़ा मारा हाथ घुमाया हल्का सा तो ऊपर से ये जो है ना इस पॉइंट का तो बिल्कुल क्लीन हो गया था, मतलब मट्टी को लूज़ तो करता है वो बॉडी से कोक जो है वो, तो फेस निकलता है शायद इस वजह से जो है ना वो ऐसा करता होगा। चलो ये जो है ना ये शैम्पू तो मैंने लगा के हो गया, अप्लाई करके हो गया, अभी हम देखते हैं ज़रा सा ब्रश घिसते हैं बाद में क्या होता है। ऐसा ऐसा उसको घिसा था, सेम ऐसे घिसेंगे इसको भी। क्लियर हम देखेंगे अभी ये शैम्पू से और उससे बाद में फ़र्क क्या है। चलो अब हम मारेंगे इसको पानी। एक्चुअली इसका जो मेन है ना जब क्या फ़र्क क्या पड़ा ना वो तो सूखने के बाद ही दिखेगा, नहीं तो ऐसे टायर तो गीला होने के बाद काला ही काला दिखते हैं ना, वो सूखने के बाद दिखेगा अभी क्या सीन है। दोस्तों अभी टायर सूख रहा है, तब तक मैं आपके लिए गाना गा देता हूँ। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी ज़रूरत तू बन गया, बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुम्हें कितना चाहे और हम। तो दोस्तों अब दोनों टायर सूख गए हैं, अब मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ टायर में डिफरेंस क्या है, जो हमने कोक लगा के वॉश किया उसको कैसा है और इसको कैसा है, मैं आपको मैं डिटेल बताता हूँ, और आपको ऐसा करना चाहिए कि नहीं वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये देखो इसको मैंने कोक से किया है ना, ये देखो कोक डाल के किया, एक्चुअली क्या होगा पता है, कोक से एक चीज़ मेरे को मालूम पड़ा ये जो डीपली जो कचरा रहता है अंदर अंदर वो बिल्कुल क्लीन हो गया है ना, एक चीज़ मुझे डिफरेंट दिख रहा है और मैं आपको मैं लाइव इसमें दिखाता हूँ, कोई बीच में कट नहीं है। ये देखो ये थोड़ा सा टायर ना देखो इधर सूख गया, एक्चुअली जहाँ पर गीला उधर काला काला दिख रहा है, पर एक्चुअली जहाँ पर सूख गया मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखो ये बिल्कुल लाल लाल थोड़ा सा दिख रहा है आपके सामने, तो मैंने क्लीन किया थोड़ा, हाँ फर्क तो है एक्चुअली। देखो ये जो है ना ये डीपली जो है ना अंदर से रबर के अंदर जो घुस जाता है ना मट्टी है वो ना ये नॉर्मली शैम्पू नहीं निकल पाते वो, ये देखो तो इसको जो है ना ये बिल्कुल ये निकल दिया है। देखो इसका जो बिल्कुल ये पॉइंट काला है, ये देखो इधर आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर लाल नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल काला है वो, इसका मतलब क्या है ये देखो मैं आपको कोक का बॉटल साइड करता हूँ दिखाता हूँ। ये देखो ये इस पॉइंट पे देखो आप, इधर उस वो वाला टायर पे इधर लाल लाल है, यहाँ पर देखो ब्लैक हो गया है ना, तो एक्चुअली फ़र्क तो पड़ता है इससे कोक से है ना, फ़र्क पड़ता है दोस्तों एक्चुअली कोक से फ़र्क तो पड़ता है। एक्चुअली मट्टी को ना सॉफ्ट कर देता है वो इजीली, बाद में आपको वॉश करने का अच्छा पड़ता है कोक से, इतना तो अभी मैंने फील कर लिया है, मैंने फर्स्ट टाइम भी यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे फ़र्क दिख गया है। पर आपको एक बात बताऊँ, सब बताऊँ, देखो कोक आपको अगर टायर में लगाओ ना आपको बहुत महंगा पड़ेगा, तो आप ऐसा मत करो, मैं आपको सिंपल आइडिया देता हूँ, आप बस नॉर्मली शैम्पू से वॉश करो टायर, और उसके बाद आप क्या करो जो नॉर्मली जो डैशबोर्ड पॉलिश होता है कौन सा भी जो टायर पॉलिश होता है आप वो थोड़ा सा लो और अप्लाई कर दो, आपके लिए वो अच्छा रहेगा वो। लेकिन कोक आप यूज़ करोगे तो आपके लिए बहुत महंगा पड़ सकता है, लेकिन बस ये तो मुझे बस एक्सपेरिमेंट करके दिखाने का था ये सच में काम होता है कि नहीं होता, पर एक्चुअली काम होता है।
खराब ऐसा मत करना। हाँ, अगर आपको सच में अगर मतलब घिसने उसने कंटा आता है, अगर ठीक से आपको सच में क्लीन करना है, डीपली अंदर से बिल्कुल कचरा निकालना है, तो आप कभी एक बार कर सकते हो, 6 महीने अगर आप कोक लगा सकते हो, पर ज़्यादा टाइम यूज़ मत करना। तो दोस्तों आप मुझे बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।